हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मैच कवर करने जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, मैच नंबर 11, जो कि खेला जाएगा गुवाहाटी यानी आरआर का जो सेकंड होम ग्राउंड है वहां पर यह मैच खेला जाने वाला है। पहला मुकाबला यहां पर आरआर खेल चुकी है, जो कि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में खेली थी और वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो बात करते हैं, इस मैच को कंप्लीट एनालाइज करते हैं और कैसे फैंटेसी टीम हमारा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि एक ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है तो कैसे हमें सिलेक्शन करना है प्लेयर्स का, क्योंकि यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट ऑलराउंडर्स जो लास्ट मैच में अवेलेबल थे वो इस मैच में अवेलेबल नहीं है, प्लस राजस्थान के भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर अवेलेबल नहीं हैं। तो कैसे टीम्स क्रिएट होगी, कौन होगा फैंटेसी टीम्स का कैप्टन, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो मैंने लास्ट टाइम आपको टीम प्रोवाइड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका यूज़र नेम आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए @fantasyexpertnews, ये यूज़र नेम है हमारा, आप लोग सर्च कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। जो टीम मैंने शेयर किया था ये मेरा टीम रहा था, जिसमें क्रुणाल पांड्या कैप्टन थे, वाइस कैप्टन मैंने आइडन मरक्रोम को किया था और बहुत अच्छे पॉइंट्स इस टीम ने हमारे निकाले थे। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरीके की टीम्स और न्यूज़ एंड अपडेट्स सभी रेगुलर मिलते रहें। जो लोग प्लेयर पोर्टल को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर हायर चांसेस की रैंकिंग बहुत अच्छी यहाँ पर लगाएंगे। तो जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा उन सभी को आपको फॉलो जरूर करना। बात करते हैं सबसे पहले मैच प्रीव्यू की। मैं आपको बता चुका हूँ कि होम ग्राउंड है राजस्थान का गुवाहाटी सेकंड, यहाँ पर जो है एक ही मैच खेला राजस्थान ने और एक मैच हारा है। राजस्थान रॉयल का पंजाब किंग्स के गेंद में 5 रनों से हारा है, लेकिन बहुत क्लोज काउंटर था वहाँ पर, बहुत क्लोजिंग गया था मैच और 190 एबोव का टोटल था, इतना 195 के एबोव का, तो वो भी इतने करीब जाकर राजस्थान हारा है। बात करते हैं यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स की। ये भी अपना लास्ट मैच गुजरात टाइटन्स के अगेंस्ट में हार के आ रहे हैं, वो भी अपने होम वेन्यू पे। लेकिन मैंने आपको इस बताया था कि कौन से प्लेयर स्पेशल हो सकते हैं, चलो वो प्लेयर लास्ट मैच में तो नहीं खेला लेकिन इस मैच में खेलने वाला है, उस प्लेयर को ज़रूर हम लोग अपनी टीम में रखेंगे। अब तक 26 मैचेस हेड टू हेड में हुए हैं, दोनों ही टीम्स ने 13-13 मुकाबले विन किए हैं। वेन्यू की मैं क्लियर कट आपको बात बता देता हूँ, इन वर्ड्स में अगर बता देता हूँ तो यहाँ पर बाउंस अच्छी देखने को मिलती है, जो विकेट रहता है वो इवन कवरिंग ऑफ ग्रास रहता है, आउटफील्ड जो है वो काफ़ी फास्ट रहता है, तो यहाँ पर बॉलर्स के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बैट्समैन के साथ में कैप्टेंसी आप लोग जा सकते हैं, स्पेशली आप लोग ऑलराउंडर के साथ में जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि टॉप फोर में अब है ना ऑलराउंडर बैटिंग करने वाले हैं। कौन से ऑलराउंडर है आगे मैं डिस्कस करूँगा। अगर यहाँ से हम लोग SMA ट्रॉफी के मैचेस देखेंगे ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, तो हमें लगेगा कि नहीं यार स्पिन फ्रेंडली विकेट है, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, IPL के मैचेस हुए, तो यही लगा है कि विकेट जो है ना वो पेसर्स को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर होता क्या है सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप लोग नोट कीजिएगा, सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग में, तो ये नोट आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको क्या रहेगा, जो टीम फर्स्ट बैट कर रही ना उसके बॉलर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोपहर का मैच है, काफ़ी लोग बोलेंगे ड्यू आएगा ये आएगा, देखो 3:30 बजे का मैच है तो ड्यू का इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा, तो स्पिनर्स भी इस गेम में बने रहेंगे। तो मेरी फैंटेसी टीम्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पिनर्स मिलने वाले हैं। अगेन 5,000 रुपीज़ का गिवअवे मैंने आपके लिए रखा है, संजू सैमसन के कैचेज एंड रन कितने होंगे, करेक्ट आंसर को मिलने वाला है अमाउंट। टेलीग्राम पर विनिंग अनाउंसमेंट हो जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर फिंगर इंजरी की वजह से नहीं खेलने वाले हैं, हो सकता है वो एक या दो मैचेस भी मिस कर सकते हैं, इस मैच में नहीं खेलेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बिग ब्लो क्या है कि मिचेल वॉट्स जो है वो फ्यू मैचेस नहीं खेलने वाले हैं, कोई इंजरी नहीं है लेकिन ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये जो सीज़न चलता है ना ये वेडिंग का सीज़न चलता है, ये वाले जो मंथ रहते हैं वो वेडिंग वाले मंथ रहते हैं, तो मिचेल वॉट्स भी वहीं पर वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं खेलेंगे कुछ मैचेस में। ठीक है, और कुछ ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स हैं वो भी नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको आपकी जैसे जैसे गेम बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। लास्ट टाइम क्या रहा था, सेकंड बैट किया था पंजाब के अगेंस्ट में, चेज करने उतरी थी टीम ने क्या किया था, युजवेंद्र चहल से पहले बॉलिंग करा लिया था और ध्रुव जुरेल जो थे राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर बैटर उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रिप्लेस किया था। अब यहाँ पर प्लेइंग 11 में मुझे लग रहा है जॉस बटलर नहीं खेल रहे हैं, तो जॉय रूट जो कि सेकंड डाउन बैटिंग करने चाहिए,
अगर यहाँ से संजू सैमसन जल्दी आउट होते हैं तो ये फर्स्ट डाउन आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर जयसवाल आउट होते हैं तो देन देवदत्त पाडिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर मैं आगे में स्टेट सेक्शन में आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर हैं इस लाइनअप में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। देखो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स यहाँ पर हैं, यशस्वी जायसवाल है, देवदत्त पाडिकल है, शिमरन हेटमायर है, तो ये तीन लेफ्ट हैंडेड बैटर्स तो आपको दिख ही रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट में कौन कौन बॉलिंग करने वाला है डीसी के बॉलर्स वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन नोट कीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे कल के मैच में, स्पेशली डे मैचेस जो रहते हैं ना वहाँ पर क्या होता है विकेट्स अच्छे निकलते हैं, ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्लेइंग 11 है, पावर प्ले और डेथ के ओवर मैंने मेंशन किए हुए हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। एक प्लेयर जिसको मैंने ऐड किया है वो है कुलदीप सेन को, मैंने अपनी टीम में रखा है। मैं यहाँ पर के एम आसिफ को मैंने यहाँ से नहीं रखा है, मैंने इनको रिप्लेस किया सीधे ही कुलदीप सेन से और ये इस मैच में खेलने वाले हैं। विकेट कीपिंग संजू सैमसन करेंगे। बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के रीसेंट परफॉर्मेंस के, बैट्समैन के रीसेंट परफॉर्मेंस, तो जो लेटेस्ट है यानी जो रीसेंट है वो फर्स्ट जो वो लेटेस्ट है 42 स्कोर किया संजू सैमसन ने, 19 बटलर ने, इस तरीके से मेंशन मैंने कंप्लीट किया हुआ है सभी प्लेयर्स के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको किसी अदर वेबसाइट्स पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से तो आपको ये शीट कम्प्लीटली मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको मैं प्लेयर बैटल भी दे दूँगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर एक और शीट है इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की लाइनअप्स की, तो डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ ओपन करने चाहिए, रेली रोसो क्योंकि मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि इंडियन बैटर यहाँ पर इंक्लूड होगा, मनीष पांडे सरफराज खान के प्लेस पे, एंड देन रोमन पोवेल आपको यहाँ से खेलते हुए दिख जाएंगे नंबर 5 पर, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे जैसे मिचेल मार्श ने किया था वैसे पोवेल भी यहाँ पर बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। अभिषेक पोरेल बिहार के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। अक्षर पटेल, अमान हकीम खान आपको पता है लास्ट टाइम प्लेइंग 11 में थे और जो सब जब सेकंड बॉल किया तो खलील अहमद को इंक्लूड किया था, तो वैसा ही हो सकता है फर्स्ट बैट करती तो अमान हकीम खान आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखते हैं, या फिर यशदुल खेलते हुए या फिर ललित यादव खेलते हुए दिखेंगे, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि अमान हकीम खान जो है इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। बात करते हैं बॉलिंग में क्या हो सकता है, खलील अहमद सीधे प्लेइंग 11 में आ सकते हैं अगर फर्स्ट बॉल करती है टीम तो। एक चेंजेस और मुझे लग रहा है कि मुकेश कुमार उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं तो इनके पास में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको पता है एक और बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास में अवेलेबल है, क्योंकि मुझे नेम याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ है एक और ऑप्शन, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। सभी का ओवर मेंशन किए हुए एंडिक नोरकिया मस्ट हैव पिक में रहेगा क्योंकि हेड टू हेड में बहुत अच्छे हैं इनके रिकॉर्ड्स है। आगे हम लोग स्टेट सेक्शन में पूरा कम्प्लीटली देखने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स के रीसेंट स्कोर्स की बात करते हैं, दो दो मैचेस हो चुके हैं, दोनों के मेंशन मैंने यहाँ से किए हुए हैं। बात करते हैं जल्दी से स्टेट्स की, उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको मिलेगी तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यूज़र नेम ये आप सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जॉस बटलर नहीं खेलने वाले तो इनको हम नहीं लेंगे। यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, हेड टू हेड यानी जब भी दोनों टीम्स आपस में खेली डीसी और आरआर तो इनके नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं, 20 के आसपास का ही एवरेज रहा है। ऑन वेन्यू पे बात करते हैं तो और भी बेकार एवरेज रहा है, यानी ये जो तेज आउटफील्ड रहते हैं ना फास्ट आउटफील्ड और ऐसी विकेट जहां पर पेसर्स का डोमिनेट रहता है वहां मुझे लगता है ये खेलना इनको इश्यू होता है तो ये उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स। अब जो होता है कि अपने माइंड का भी यूज़ करते हैं कि नहीं यार नंबर्स के अगेंस्ट जाना है तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन लास्ट के 10 मैचेस में आप देखेंगे तो 6 to 7 टाइम्स क्या हुआ, जो नंबर्स हमने बताए उसी के अकॉर्डिंग ही प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया है। संजू सैमसन की बात करते हैं, एवरेज अच्छा है वेन्यू पे, एक ही मैच खेला है, 42 का एवरेज है प्लस वो लास्ट ही मैच में किया था और हिट टू हिट में भी 26 का एवरेज है। विकेट कीपिंग करेंगे इसलिए हमारी टीम के डिफॉल्ट चॉइस है। देवदत्त पाडिकल बेस्ट स्कोर यहाँ पर अच्छा किया हुआ इन्होंने, 51 के एवरेज से स्कोर किया है और इस विकेट पे जहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिलती है और अगर बैट फर्स्ट करती है राजस्थान रॉयल देना हमारी टीम में होंगे। मेरा जो पहला की प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे देवदत्त पाडिकल, जिनको मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ और कल अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इवन मैं आपको वाइस कैप्टनसी करता हुआ भी दिखूंगा मेरे जीएल की टीम्स के अंदर। हेटमायर नो डाउट हीटर है और आपको बताइए स्क्वायर बाउंड्रीज जो है यहाँ पर क्या है बड़ी है और स्ट्रेट बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी सी छोटी है तो यहाँ पर इनके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादातर मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ शॉर्ट सिलेक्शन इनके रहते हैं
तो ये वहाँ स्कोर करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या हो गए, जीएल के लिए अच्छे प्लेयर हैं। स्मॉल लीग में भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप लोग डीडीपी या जयसवाल में से दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं तो। रियान पराग ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे। ध्रुव जोरेल की हम लोग बात करते हैं, ये भी ग्रैंड लीग में रखिएगा। अगर टॉप फाइव में मैंशन होते हैं और कभी मैंशन हो गए कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, देन हम हमारी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन बिकॉज लेफ्ट हैंडेड बैटर, डीसी में देखेंगे आप लोग, यहाँ से आपको सबसे नंबर वन में दिख जाएंगे। डेविड वॉर्नर कैप्टन कुछ जो कि ऑफ स्पिन के अगेंस्ट में काफ़ी बार आउट हुए हैं, वहीं सेकंड मिल जाएंगे आपको रिले रोसो, तो ये दो लेफ्ट हैंडेड। थर्ड इनके पास अक्षर पटेल आ जाएंगे, तो तीन लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, तो अश्विन का पूरा कोटा कंप्लीट होगा और पूरे फोर ओवर्स करेंगे, तो हमारी टीम में स्मॉल लीग में इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं। जैसन होल्डर क्योंकि डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं टीम के लिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बॉलिंग कर रहे हैं बोल्ट और इनके साथ में होल्डर बॉलिंग कर रहे हैं। चहल आपके लिए की प्लेयर हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल कर रहे हैं तो आप लोग इनको अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में मुझे लगता है बैट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, टर्न कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा मैं अब इनको कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, स्मॉल लीग के अच्छे पिक हैं क्योंकि अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स वार्नर ने स्ट्रगल किया है, पृथ्वी शो का तो स्ट्रगल है ही है, कंटिन्यूस थ्री टाइम्स आउट कर चुके हैं ये, और उसी के साथ साथ जो और आने वाले बैट्समैन हैं रिले रोसो हैं, उनका भी स्ट्रगल इनके अगेंस्ट में ही है ही है। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो वो एडवांटेज रहेगा। अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैट कर रही है, पहले बॉल कर रही है, देन आप लोग ट्रेंट बोल्ट को एज अ वीसी भी कर सकते हैं। केम आसिफ जीएल के पिक हैं। नवदीप सैनी ये भी जीएल में, कुलदीप सेन गति है इनके पास में और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट्स ले सकते हैं, पहला मैच खेलेंगे अपना इस सीज़न का, तो इनको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपनी जीएल टीम में। विकेटलेस नहीं जाता है ये बॉलर, आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए। करियप्पा उबेद मैकोय डोनोवन फेरारी हैं, फिर मुर्गन अश्विन है, अब्दुल वासित कुणाल सिंह राठौर जोए रूट को अपनी टीम में इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं। तो अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो देन जोए रूट ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेक्निकल प्लेयर है और रुक के खेलना पसंद करते हैं और इनिंग बिल्डर प्लेयर है, तो इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं इनको अपनी टीम में। संदीप शर्मा है जीएल के प्लेयर, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव, ये सभी जीएल के प्लेयर ही मेरे रहने वाले हैं। बात करते हैं डीसी से, वेन्यू पर अच्छे स्कोर हैं, हेड टू हेड में अच्छा स्कोर है डेविड वॉर्नर का, आपको अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए। लास्ट मैच में 37 किया, उससे पहले 56, यहाँ पर एवरेज 45.60 का है, और ऐसा विकेट जहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिलती है तो वहाँ पर आपके लिए डेविड वॉर्नर बहुत अच्छी चॉइस होते हैं सीवीसी के लिए, तो स्मॉल लीग में ऐड करना है। पृथ्वी शो ड्रॉप कर सकते हैं, रीज़न एक ही है क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है और ट्रेंट बोल्ट क्या होते हैं पावर प्ले में भी मैक्सिमम ओवर करते हैं, जैसा डेविड विली ने किया था वैसे ये भी 3 ओवर हो सकता है कर दें, और वहाँ कन्फर्म है कि पृथ्वी शो अपना विकेट जरूर देने वाले हैं, तो ड्रॉप कर सकते हैं आप स्मॉल लीग की टीम में भी। मिजल मॉर्श नहीं खेलने वाले हैं, सरफराज खान पॉसिबिलिटीज कम लग रही है कि ये भी बाहर जाएंगे। रिले रोसो खेलते हैं तो इस विकेट पर ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली आप अपनी टीम में इनको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा किसके साथ में जाना पसंद करूँगा, अक्षर पटेल और आर पोवेल के साथ में जाना मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि पोवेल थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आपको करते हुए दिखेंगे ही और हिटिंग कर सकते हैं, मिड ऑन मिड ऑफ पे बहुत अच्छे लगाते हैं, जहाँ पर शॉर्ट बाउंड्रीज है 65 मीटर्स की तो पसंद करते हैं खेलना, मैं रखूँगा उनको अपनी टीम में। कुलदीप यादव फर्स्ट इनिंग में बॉल करेंगे तभी मैं स्पिनर प्रेफर करूँगा, अदरवाइज छोड़ दूँगा। एंड्रिक नोरखिया को अपनी टीम में रखना है। मुकेश कुमार जीएल के प्लिक हैं। खलील अहमद रखना है, डेथ में गेंदबाजी करेंगे खेलेंगे तो। बाकी यहाँ से आर पोवेल मस्ट हैव पिक, बॉलिंग भी करेंगे इस मैच में तो अपनी टीम में होनी चाहिए। यश धुल अगर कहीं जगह बनती है तो जीएल की किसी एक आध टीम में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा अगर टॉप फाइव में मैंशन है तो। प्रवीण दुबे हैं, ललित यादव हैं, मुस्तफिजुर रहमान हैं, कमलेश नगर कोटी हैं, एनगीडी, विकी ओत्सवाल, ये सभी जीएल में। एक पिक जो मैंने आपको बताया जो टॉप फोर के अंदर बैटिंग करेंगे, मनीष पांडे, एवरेज काफ़ी बेटर है, 7 मैचेस 246 रन, और इवन इस वेन्यू पे भी देखेंगे तो 30 का एवरेज है, तो ये प्लेयर हैं डीडीपी के बाद में यानी देवदत्त पार्टिकल के बाद में, ये प्लेयर और यहाँ से आर पोवेल, ये तीन प्लेयर मेरी टीम के लिए की प्लेयर रहेंगे जिनको मैं कल अपनी टीम में बैक करने वाला हूँ। अगर टॉप फोर में मेंशन होते हैं तो मैं ज़रूर अपनी टीम में रखूँगा, स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट मनीष पांडे आपकी टीम में होने चाहिए स्मॉल लीग में।
बात करते हैं रिपल पटेल, फ्लिप सोल्ट भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि प्लेइंग 11 में जगह बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्लिप सोल्ट की जगह यहाँ पर बनेगी, तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, खेलते भी हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। ईशांत शर्मा है, नहीं खेलने वाले। बात करते हैं प्लेयर मैचअप्स की, जॉस बटलर नहीं खेलेंगे तो नहीं देखेंगे। यशस्वी जायसवाल अगेंस्ट राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट में, एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। मिचेल मॉर्श के अगेंस्ट आउट हुए हैं। चेतन सकारिया, ईशांत शर्मा, तो जनरली इनको पेसर्स ने काफ़ी परेशान किया है स्पिनर्स के बजाय, तो पेस से थोड़ा इनको फ्लॉप होते हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बोल दिया था कि ये परेशान होते हैं अगेंस्ट पेस। संजू सैमसन की बात करते हैं यहाँ पर, एंड्रिक नोरखिया ने एक बार आउट किया है, बाकी अक्षर पटेल ने 2 times, एनजीडी ने एक बार आउट किया है, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट चॉइस स्मॉल लीग में यही होंगे। जीएल में भी आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये विकेट कीपर खेलने वाले हैं। देवदत्त पाटीकल स्मॉल लीग में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। खलील अहमद के अगेंस्ट में आउट हुए हैं, मुस्तफिजूर के अगेंस्ट में एंड ईशांत शर्मा के अगेंस्ट में आउट हुए हैं, तो ये प्लेयर को फिर भी मैं इंक्लूड करूंगा क्योंकि इसको खेलना पसंद है इस वेन्यू पे, तो अपनी टीम में मैं जरूर रखूंगा। सिमरन हेटमायर रख सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में, अगर टॉप ऑर्डर में से संजू सैमसन प्लस सिमरन हेटमायर आप लोग ले रहे हैं और जायसवाल और डीडीपी को ड्रॉप करें, देन आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। डेविड वार्नर की बात करते हैं, अगेंस्ट ऑफ स्पिन स्ट्रगल तो नहीं किया, 100+ की स्ट्राइक रेट से ही खेला है, बट फिर भी 3 times आउट किया है, तो कहीं ना कहीं अश्विन इनके अगेंस्ट में मैक्सिमम ओवर करेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं एक गलत सिलेक्शन विकेट दे सकता है इनको, तो की प्लेयर रहेंगे आर अश्विन इस मैच के अंदर, अपने टीम में बैक करना चाहिए। पृथ्वी शो ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट में भी आप देखेंगे 2 times आउट हुए हैं, अटैक करने गए और विकेट दे दिया। आर अश्विन के अगेंस्ट में भी अच्छे नंबर्स नहीं है, तो ओवरऑल मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप इन्हें करने वाला हूँ। मनीष पांडे स्मॉल लीग में मैं रखूँगा इनको, भले ही लेग ब्रेक के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं अपनी टीम में रखूँगा अगर ये टॉप 4 में मेंशन होते हैं तो। मिचेल मॉर्श नहीं खेलेंगे। रीले रोसो ये मेरे लिए की प्लेयर रहने वाला है कल के मैच में। 3 players तो मैंने आपको बता दिए हैं, DDP, आर पोवेल और मनीष पांडे, एंड 4th player मैं रीले रोसो को रखने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी विकेट जहाँ पर आउटफील्ड काफ़ी तेज होता है, अच्छी बैट पे आती बोल, देन ये वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसा हमने देखा था किस तरीके से बैटिंग विकेट पे PSL में बैटिंग इन्होंने किया था, तो अपनी टीम में होने चाहिए। सरफराज खान है, ये GL में रख लीजिएगा। स्मॉल लीग का टीम कुछ मेरा इस तरीके से दिखने वाला है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अक्षर पटेल को कैप्टन किया है क्योंकि इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में बड़े बल्लेबाज जा चुके हैं, तो इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो ये पूरे 4 overs के साथ में प्लस कुछ बैटिंग भी करके आपको देने वाले हैं, तो ये मैं कैप्टन किया है। वाइस कैप्टनसी मैंने संजू सैमसन को रखा है, बाकी कुलदीप यादव एंड्रिक नोरखिया को रखा है। कंडीशन यही है कि फर्स्ट बॉल करेंगे देन स्पिनर को मैं पिक करूंगा, यानी कुलदीप यादव को, सेकंड इनिंग में बॉल करती है DC मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से। सेम कंडीशन यहाँ से यूजी चहल के साथ में भी है, फर्स्ट बॉल करते हैं तो मैं इनको अपनी टीम में इंक्लूड करूंगा। स्मॉल लीग में तो रखूंगा, लेकिन GL में रोटेशंस में इसी तरीके से करूंगा। बात करते हैं मिनी ग्रैंड लीग की टीम की, युजवेंद्र चहल मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर संजू सैमसन है, बाकी एज यूजुअल मैंने वैसी ही टीम बनाई है जो कि स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन आपको जो अमाउंट है आपका वो बैक कर देगी, आपको वन साइडेड लॉस नहीं होने देगी, तो ये टीम आपको अपनी टीम में योर फैंटेसी में यूज़ करनी चाहिए। GL की एक टीम है जो कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाली है, कुलदीप यादव मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन DDP को मैंने किया हुआ है, सिमरन हेटमायर को लिया है, पृथ्वी शो आर पोवेल को लिया है, बाकी एंड्रिक नोरखिया बॉलिंग डिपार्टमेंट से वही प्लेयर्स को मैंने बैक किया है। अब ये तो थी मेरी डेमो टीम्स, अब इनके अलावा भी और टीम्स मैं क्रिएट करूंगा जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।